नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं आपके साथ एक स्किन का केस शेयर करना चाहूँगा। आप जिस तरह पिक्चर्स में देख सकते हैं या केस है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का, यह पेशेंट हमारे पास 4 दिन पहले आया था और अब आप देख सकते हैं 4 दिन बाद में सिर्फ होम्योपैथी ट्रीटमेंट से 4 दिन में इसको कितना आराम लग चुका है। अभी इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूड है, ट्रीटमेंट थोड़ा कंटिन्यू चलेगा और पूरा सक्सेसफुल केस होगा तब मैं आपको फिर आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आप जिस तरह देख सकते हैं इस पेशेंट को 1 से 1.5 महीने पहले कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुई थी इनके कान के साइड में। तो दोस्तों हुआ क्या कि इन्होंने काउंटर से कुछ रिंगवर्म या कुछ भी ऑइंटमेंट लेके लगा लिए, फिर इसका फैलने लग गया। तो फैलने के बाद इन्होंने अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने भी दोस्तों उनका ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद दिया और बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था। जिस तरह आप देख चुके हैं बिल्कुल ही जलने जैसा हो गया है, क्योंकि ये एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स और एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हुआ है। इसलिए दोस्तों यह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसके बाद दोस्तों फिर यह पेशेंट हमारे पास आया, किसी ने हमारा पता दिया कि ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथी से यह पेशेंट ठीक हो सकता है। तो फिर दोस्तों हमने इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू किया और आप जिस तरह देख सकते हैं सिर्फ 4 दिन में इसको कितना रिलीफ मिल चुका है। मतलब इनको इचिंग भी काफ़ी हो रही थी, स्क्रैचिंग हो रही थी, तो यह सब कुछ रिलीफ मिल चुका है। अब जो रेशेस हल्का सा फुल्का जो रेशेस बचे हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूड है, 1 से 1.5 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट चलेगा जब तक ये पूरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आप जिस तरह देख सकते हैं कि होम्योपैथी से कितनी फास्ट यहाँ केसेस ठीक होते हैं, स्किन में होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस केस में मैंने इनको क्या दिया था। सबसे पहले मैं दोस्तों अगर एलोपैथी से कोई पेशेंट आता है, मतलब एलोपैथी के साइड इफेक्ट या सप्रेशन से आता है, तो हमें सल्फर देना चाहिए। तो मैंने सल्फर 200 का इस पेशेंट को 1 सिंगल डोज दिया था, इस बेबी को, इस बच्चे को। इसके बाद मैंने फिर दोस्तों इनको कैलकेरकप 30 दी थी और साथ में मैंने बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर चलाया था और एक्सटर्नली मैंने अजाटा इंडिका, सेरसा पेरिला और स्टिनेशिया, ये सब कुछ का मिक्सचर लगा के इनको दिया था लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ सब कुछ इन्होंने लगाया, इसके बाद 4 दिन में आप देख सकते हैं कितना इसको रिलीफ मिल चुका है। दोस्तों अब आगे फिर आएगा पेशेंट फॉलोअप में, जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं फिर आपके साथ ये केस शेयर करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।